यशस्वी जायसवाल की उम्र महज 21 साल की है। भारतीय टीम के लिए कभी नहीं खेले, मगर आईपीएल में वह शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल प्रथम श्रेणी में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। ईरानी कप फाइनल में दोनों पारी में शतक लगाकर मैन ऑफ द मैच रहे। कभी डेयरी से निकाले जाने पर टेंट में रहने वाले यशस्वी जायसवाल मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे बड़े अनकैप्ड युवा दावेदार बनकर उभरे हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में शानदार शतक जड़ा। उनका यह सफर आसान नहीं रहा है। यूपी के बदोही में एक गरीब परिवार में जन्मे यशस्वी महज 13 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। सपना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनने का था। शुरू में अंकल के यहाँ छोटे से घर में रहे, मगर बाद में उसे छोड़ना पड़ा। पिता ने किसी तरह कालबा देवी में एक डेयरी में रहने का इंतजाम करवाया, मगर शर्त एक थी कि दूधिया की मदद करनी होगी। यहाँ उनके पास ना ढंग का बिस्तर था, ना खाना, यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं था। वह दूधियों की मदद के लिए सुबह 5 बजे उठते थे। इतना सब करने के बावजूद भी उन्हें वहां से निकाल दिया गया। यशस्वी के पास अब कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद उनके कोच ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि यदि वह अच्छा खेलते हैं तो वह आज़ाद मैदान में बने एक टेंट में रह सकते हैं। यशस्वी ने इस मौके को नहीं छोड़ा, मगर हालात यहाँ भी खराब थे, क्योंकि ना बिजली थी और ना ही शौचालय। सार्वजनिक शौचालय भी आधा किलोमीटर दूर था। एक दिन एक कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें खेलते देखा तो वह उनके खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यशस्वी की मुफ्त ट्रेनिंग और रहने खाने की जिम्मेदारी उठा ली। यहाँ से यशस्वी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17 साल की उम्र में उनका मुंबई की क्रिकेट टीम में चयन हो गया। रणजी ट्रॉफी में वह दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इसके बाद उनका जीवन में बड़ा क्षण तब आया जब उनका चयन विश्व कप अंडर 19 टीम में हो गया। टीम फाइनल में बांग्लादेश से हार गई, मगर यशस्वी टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। राजस्थान के कोच संगकारा कहते हैं कि यशस्वी सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लंबा सफर तय करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।